ओम साई राम। मेरे प्यारे बच्चे, आज महाशिवरात्रि है। ये एक पावन त्यौहार ही नहीं बल्कि दो दिव्य आत्मा शिव और शक्ति के मिलन की रात्रि होती है मेरे बच्चे। और तुम जानते हो क्या, शिव और पार्वती जो कि शक्ति का रूप है, वो दोनों ही हर इंसान के अंदर होती है। शिव हमारे अंदर शक्ति का संचार करते हैं और शक्ति हमें हमारे अंदर भावनाओं का संचार करती है। इसलिए हमें अपने बल और भावनाओं को एक सा रखना चाहिए और इसके लिए ही हम शिव और शक्ति की आराधना करते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, शिव जी को हमेशा ही अपने अंदर के अहंकार, लोभ, मोह का दमन करने के लिए प्रतीक माना जाता है। और ऐसा ही लोभ, मोह, अहंकार हम सब मानवों में ग्रसित होता है और इसीलिए ही हम अनेकों अनेक कष्टों से जूझ रहे हैं मेरे बच्चे। इसीलिए अपना ध्यान केंद्रित करो भक्ति की ओर, क्योंकि इस भव सागर से तुम्हें एकमात्र भक्ति ही पार लगा सकेगी। अन्यथा बार बार इसी धरती पर आकर तुम्हें जन्म लेना होगा। परंतु तुम चिंता ना करो मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा बाबा इसलिए तो तुम्हारे साथ हूँ। बहुत से लोग इस मार्ग पर भटक जाते हैं, लेकिन जिसके साथ उनके गुरु होते हैं वो कभी अपने मार्ग से भटक नहीं सकते। तुम्हारे ऊपर शिव जी और पार्वती की विशेष कृपा है मेरे बच्चे, इसी वजह से तो तुम्हारा बाबा तुम्हारे जीवन में आया है। इसलिए खुद को सौभाग्यशाली मानो और अपने कर्म करते जाओ। चिंताओं को मेरे हाथ में छोड़ दो, क्योंकि मैं तुम्हारी प्यारी साई माँ हूँ। तुम्हें कोई कष्ट नहीं होने दूँगी। तुम्हारे आधे से ज़्यादा कर्मों को तो मैं स्वयं ही ढोता हूँ। फिर तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी नहीं सुनता? अपनी चिंताएँ त्याग कर अपना मन एकाग्र करो मेरी भक्ति में, शिव और पार्वती की भक्ति में। इसलिए आज रात्रि तुम ध्यान अवश्य करना मेरे बच्चे। ओम साई राम।